बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द कोकरनाग न्यूज़ का उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान अहंगरूफ, आपकी खिदमत में हाजिर। शुरू करते हैं आज दिन की कुछ बड़ी खबरों से। शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला के टंगमर्ग इलाके में आतशजदगी के एक वाके में HDPO ऑफिस आतशजदगी के दौरान खाकिस्तर हो गया। जल रहा है, अचानक आग लगी हुई है, लेकिन फायर सेल्स की आत्म दिस्तैदी की वजह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग आग की लपेट में आ गई है। 8 कमरों पर मुश्तमिल बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से खाकिस्तर हुई है। फायर सर्विस टंगमर्ग की गाड़ी में पानी न होने की वजह से ये आग इतनी फैली हुई है। जम्मू कौमी शहरा के रामसू इलाके में एक हांडा सिटी कार को हादसा पेश आया। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए पास के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर के जिले रामबन के चंदरकोट इलाके में पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उसकी तहलील से मंशियात चीजें जब्त करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर के जिले कुपवारा में अल्टो गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए पास के अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम उबर आलूद रहने का इम्कान है। आज की खबरों में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान रूफ एंगर को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।